जब भागा हूँ ना पीछे साइड वही सर देखे देखे तो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही यादव ब्लॉग्स। और आज हम जाने वाले हैं इंदौर से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, और ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। तो बताइएगा कैसा क्या व्लॉग बना है, और बाकी अपन चलो मिलते हैं व्लॉग में। ये जो ब्रिज देख रहे हैं मेट्रो के ही, इंदौर में बहुत जल्द मेट्रो चालू होने वाली है, वही है। ये देखो इसको अच्छी लग रही है, ये पता नहीं कहाँ देख रही है, पता ही नहीं कि वीडियो भी बन रहा है। आगे रामघाट आने वाला है, ये देखो यहाँ पे लिखा है रामघाट। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, यहाँ पे पहले आके स्नान कर सकते हैं, स्नान करने के बाद ही दर्शन करें तो अच्छा है। अच्छा फील होता है, नदी में ज़्यादा पानी नहीं है, बस आगे नहीं जा सकते, पानी है इतना डूब जाए तो एक रस्सी बंधी हुई है उससे अंदर अंदर ही रहना पड़ता है। शिप्रा नदी है बाबा महाकाल की नगरी में, यहाँ पे भी मंदिर है, उधर की साइड भी जा सकते, उधर भी मंदिर है, कोई धर्मशाला वगैरह है, आश्रम है। ये शाम के टाइम का व्यू है, जब हम पहुंच गए थे वहाँ पे उस टाइम का व्यू है। यहाँ पे बोट वगैरह भी चलती है, उसमें आप बैठ के आनंद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योगा का चार्जेस 50 रुपये 100 रुपये लेते हैं पर पर्सन। ये हम इतने जन आए थे, नानी जी, समोसी, मेरे बच्चे और मैं, मस्ती कर रही है हमारे साथ। अब बाबा महाकाल के दर्शन किए जा रहे हैं, देखिए भीड़ कितनी है। ये संडे का दिन है जो इतनी भीड़ है, बाकी आप यदि संडे या फिर कोई त्यौहार छोड़ के आते हैं तो भीड़ कम मिलेगी। अभी संडे के आएगी इंदौर के या फिर उज्जैन के आसपास के जितने भी है सब संडे ही जाते हैं, क्योंकि उसी दिन टाइम मिलता है। ये अंदर रेलिंग है, जब भीड़ ज़्यादा रहती है इनमें भी जाना पड़ता है, कम से कम 1 घंटा लग जाता है या भीड़ में उतनी ज़्यादा शॉर्टकट। वो ये रहा बाबा महाकाल का मंदिर, ये हम ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं, मतलब थोड़ी देर का और टाइम है कि दर्शन होने वाले हैं बाबा जी। आओ तो इधर लेफ्ट साइड से आओगे तो थोड़ा पास से दर्शन होंगे, और राइट से आओगे तो ऊपर से देख सकते हो। आज हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमको आरती में शामिल होने का समय मिला, मतलब मैं कितनी बार आया हूँ मुझे ही नहीं याद है, मतलब कहीं बार आ चुका हूँ उज्जैन पर अभी तक आरती में शामिल होने का टाइम नहीं मिल पाया। और इस बार अभी आरती में शामिल होने का टाइम मिला, ये किस्मत वालों के साथ में होता है। आप जब भी आओ तो शाम के 7 बजे तक मैं पहुँच जाऊँ अंदर, जबकि मॉर्निंग में जाना पड़ता है 4 बजे, तब आरती में शामिल हो सकते हैं। पूरी एरा बाहर का नज़ारा, जब मंदिर से दर्शन होने के बाद बाहर आओगे फिर वहाँ का नज़ारा है। मंदिर का रात का व्यू ही सबसे अलग होता है, दिन में तो उतना नहीं रहता है। रात के समय का ये व्यू कभी मिस मत करना, और रात में आप 6 बजे पहुंच जाओ उज्जैन, क्योंकि 6 बजे जाओगे तो 6 बजे दर्शन 1 घंटे में हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 1-1.5 घंटा यहाँ पे रहो, आधा घंटा रहो ज़्यादा नहीं, उसके बाद महाकाल लोग भी जाना, भैया महाकाल लोग।
ये महाकाल लोक है, जिसे दर्शन करके बाहर निकलोगे उसके बाद आप महाकाल लोक में एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे कई तरह की मूर्तियाँ बनाई गई है और इसमें 700 करोड़ रुपए का खर्चा लगा है, बहुत बड़ा बनाया है। कम से कम 2 घंटे आपको चाहिए इसको घूमने के लिए। ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे टाइमिंग भी लिख रखा है महाकाल लोक का, 9:30 बजे तक एंट्री रहती है। आराम से आओ और रात के समय में ही घूमने का सबसे अच्छा आनंद यहाँ पे आता है, जब दर्शन हो जाए बाबा महाकाल के, उसके बाद यहाँ आओ घूमो फिरो। ये अंदर जाने की एंट्री है महाकाल की, उसके बाद आप इधर घूमते चले, सीधे सीधे चले जाओ बस, ऊपर देखते जाओ, फोटो खींचते जाओ, देखते जाओ। यहाँ पे लेक बना रखा है, तकलीफ पानी उतना नहीं भरा है, बहुत कम पानी है, बहुत अच्छा सारी लाइटिंग लगी, इतना अच्छा लगता है, 700 करोड़ की लागत से बना है। ये समुद्र मंथन के टाइम का है, ये पी रहे हैं भोले बाबा। यहाँ पे नीचे फ्लोर पे लाइटिंग लगी जो अपने फेस पे लाइट आती है। जब महाकाल लोक पूरा घूम लो फिर एग्जिट हो गए तो यहाँ पे भारत माता मंदिर आएगा, यहाँ भी जरूर दर्शन करो, बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे नक्शे वगैरह भी बने हुए हैं और ये रहा भक्त निवास, यहाँ पे रह सकते हैं बाहर से आए हुए जो भी रहते हैं। हम आ चुके थे रात के 12 बजे, उसके बाद आराम से सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और हमारा व्लॉग आपको कैसा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के सभी को जय श्री राम।